अस्सलामुअलैकुम। आज हम ढाबा स्टाइल फिश फ्राई बना रहे हैं। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। उसके लिए हमने 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर ले लिया है, थोड़ा नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून विनेगर सफ़ेद सुरका। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिला लेंगे। हमने 6 पीसेस सुरमई मच्छी के ले लिए हैं। इन पीसेस पर हम मसाला लगा लेंगे। हमने तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। हम इसे फ्रिज में अब 1/2 से 1 घंटे के लिए रख देंगे। आइए अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बोल में हम 3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल रहे हैं, 2 टेबलस्पून चने का आटा बेसन, थोड़ा नमक, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। हमने इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसका थिक बैटर बना लिया है। आप देख सकते हैं, बस ऐसा ही बैटर चाहिए हमें। फिश मैरिनेट हो चुकी है। हम पीसेस को इसमें डिप करके अभी फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें फ़िश को फ्राई कर लेना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड पर हमने फ़िश को फ्राई कर लिया है। हम अभी इन्हें पलटा देंगे। दूसरी साइड पर भी मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। दूसरी साइड से भी फ़िश पक चुकी है, हम इन्हें निकाल लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिश मसाला फ्राई बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फिश का मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे थोड़ा हरा धनिया, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 1 छोटी अदरक की टुकड़ी, 2 हरी मिर्ची, 3 हरी इलायची, 8 से 10 करी पत्ते, 1 टीस्पून जीरा। इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 नींबू का रस, थोड़ा नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। हमने 4 पीस फिश के ले लिए हैं। हमने सुरमई मच्छी के 4 पीस लिए हैं। हम मच्छी के पीसेस को ये मसाला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाएंगे हम इन पर, ज़्यादा नहीं। हमने मच्छी को अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया है। इसमें आपको पानी नहीं रखना है, अच्छी तरह मच्छी को ड्राई कर लेना है। इस तरह से हम हल्का हल्का मसाला मच्छी पर लगा लेंगे, चारों पीसेस पर। हमने तमाम फिश के पीसेस पर थोड़ा थोड़ा मसाला लगा लिया है, ज़्यादा नहीं। बाकी का मसाला हम संभाल कर रखेंगे। हम मच्छी को मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, बाद में इसे फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, फिश मैरिनेट हो गई है। हमने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है।
हम उसमें धीरे से फिश को डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है, लो नहीं रखना है, और हाई फ्लेम पर 2 मिनट एक साइड पे फिश को पका लेना है। एक साइड से फिश को पकते 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे ध्यान से पलटा देंगे। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट फिश अच्छी तरह फ्राई हो गई है हाई फ्लेम पर, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। एक अलग पैन में हमने और 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल देंगे। ये मसाला जो हमने तैयार किया था, जिसमें से हमने थोड़ा फिश पर लगाया था, उसे डाल देंगे हम। मसाले के बोल में हमने 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, ये भी डाल देंगे हम। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर करके भूनें। मसाला अच्छी तरह भुना गया है, इसमें हमें 3 से 4 मिनट लग गए हैं। हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1/2 कप। फ्लेम को हमें हाई रखना है। अच्छी तरह इसमें बॉईल आ गया है, हम फ्लेम को अब लो कर देंगे और इसके अंदर फिश के पीसेस ध्यान से डाल देंगे। जिसमें हमने फिश फ्राई किया था उसमें जो मसाला और तेल है वो भी ऐड कर देंगे हम। फ्लेम को हाई नहीं करना है, अभी हम लिड कवर करके नहीं पकाएंगे इसको, ध्यान से बस इसी तरह 1 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे, वरना जो मच्छी है वो टूट भी सकती है। बस इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से जेंटली चला लेंगे और पका लेंगे। लो फ्लेम पर 1 मिनट हो गई है फिश को पकते, हमने एक बार इसे पलटा भी दिया है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना। इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी परफेक्ट है, हमें इसी तरह इसे थिक बनाना है मसाला फ्राई। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। फिश मसाला फ्राई बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।